अस्सलाम वालेकुम। हादी मीडिया से मैं हुसैन मेकन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोजवा सरदार चिनियोट में, जहाँ पे तलाब जाम बेसत ने करबलाए मौला उसकी शबी तैयार की है। तो मैं अभी आपको सारा विजिट करवाऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये नक्शे को हमने जो स्टार्ट किया है वो गदीर से किया है। गदीर से स्टार्ट करने की जो वजह हमारी वो बेसिकली ये है कि जो करबला बरपा हुई है वो गदीर को भुला देने की वजह से हुई है, इसलिए हमने इस पूरे जो नक्शे को स्टार्ट किया है वो गदीर से किया। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो इन्होंने गदीर का एक मॉडल तैयार किया है। इमाम अली का हाथ जो रसूल खुदा ने बुलंद किया था, और मन कुन तो मौला फाज अली मौला कहा था, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अभी हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये एक छोटा सा मॉडल जो इन्होंने मस्जिद नबवी का तैयार किया है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये एक मॉडल बनाया है, छोटी सी मस्जिद गदीर के बाद मस्जिद नबवी दिखाई है इन्होंने। और उसी के बाद फौरन इन्होंने बैत जहरा दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त तैयार किया गया। ये आप देखें कि कुआं, चक्की, इसी तरह जो जहेज होता है वो सारा जहेज उन्होंने तैयार किया है। और ये ऊँट का एक छोटा सा मॉडल, इसी तरह ये बतखे हैं, और ये दरवाज़े सईदा इन्होंने तैयार किए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये इस नक्शे का जो इन्होंने आगाज़ किया है वो इसी तरह किया जो इमाम हुसैन ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था मदीना से मक्का और मक्का से करबला, इसी तरह ये इन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया। और ये अभी जो दरमियान में नक्शे इन्होंने बनाया ये जन्नतुल बकीक है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत ही पैमाइश करके बहुत खूबसूरत अंदाज में, यानी ऊपर से लिपाई वगैरह करके बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने ये बनाया। उसके बाद इन्होंने खाना काबा का एक मॉडल तैयार किया है, पूरी इन्होंने पैमाइश की है इसकी चारों तरफ से, और ये ऊपर इन्होंने पेनाफ्लेक्स लगाया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, वो उसकी कटिंग करके पूरी पैमाइश करके ये पेनाफ्लेक्स लगाया गया। अंदर ये इसके एक चौरस डब्बा सा है, और साइडों से इन्होंने गोल दायरा सा बनाया है जिस तरह के खाना काबा का हरम है। और इसी तरह फिर आगे चलें तो इन्होंने ये खतूत तैयार किए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा वालों ने ख़त भेजे थे ना, वो इन्होंने उसकी एक अक्कासी करने की कोशिश की है, यानी एक उस बोरी में डाल के रखा है, उसकी अक्कासी करने की कोशिश की है। और उसके बाद अभी स्टार्ट हो रहे हैं खैमे सादात। और सबसे पहला इन्होंने जो खैमा बनाया है इस तरतीब के में वो हज़रत अबुल फजल अब्बास का है। उसकी वजह जो है ये है कि हज़रत अबुल फजल अब्बास का जो खैमा था वो थोड़ा सा बाहर था, यानी वो निजबान थे, सिपा सालार थे कारवां के, तो इन्होंने इसकी जो मंजरकशी की है ये आप देख सकते हैं कि हज़रत अब्बास की शबी बनाई है इन्होंने। और साथ ही साथ इन्होंने जो अगला खैमा बनाया है वो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का बनाया, और इन्होंने ये पूरी एक देखें बहुत ही मेहनत की है इन्होंने, यानी एक एक तस्वीर को ढूंढा है फिर उसको जोड़ा है, और अभी आप देख सकते हैं इस सूरत में आपके सामने लेके आए हैं। तो उसी के बाद इन्होंने जो अगला खैमा बनाया वो जनाब रुबाब अलैहिस्सलाम का खैमा है, और जनाब रुबाब अलैहिस्सलाम की शबी बनाई है, और अंदर एक झूला पड़ा हुआ है जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का। और इसी तरह ये एक छोटी सी जो शबी बनाई है इन्होंने तस्वर को उठा रही हैं। इसके ही आगे चलें तो इन्होंने जो अगला खैमा बनाया है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा इन्होंने बहुत ही मुख्तलिफ थोड़ा सा बनाया है, और था भी मुख्तलिफ ही। बाकी जो खैमे आप देख रहे हैं कि सारे ब्लैक कलर में, तो ये खैमा जो है इन्होंने वाइट कलर में बनाया है, और इसका जो शेप है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और सामने इन्होंने जो शबी तैयार की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो भी आप देख रहे हैं। उसके बाद जो अगला खैमा है वो जनाब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का खैमा है, तो ये इसी के साथ जो अगला खैमा है वो हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खैमा है। इधर भी इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में एक वो शबी तैयार की है कि जब उनको रसन पहनाए गए थे तो उसी हवाले से इन्होंने ये शबी तैयार की है। उसी के आगे
अगला खेमा जो है वो हबीब बिन मज़ाहिर का खेमा है, जो मौला के बहुत ही ख़ास और बहादुर सिपाही थे। उसी के बाद असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमा है। तो अभी खेमों का यहाँ पे ना इख्तिताम हुआ है। ये जो दूसरा मरला था ना खेमों वाला, खेमे मैंने आपको तकरीबन सारे दिखा दिए, इसका जो मरला है ये एंड हो गया। तो मैं वीडियो थोड़ी सी जल्दी बना रहा हूँ सुबह, उसकी वजह यह है कि क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और फिर उस वक्त लोग नज़रअंदाज दे रहे होते हैं, और जो आप लोगों को मैं सही तरह दिखा नहीं पाता। अच्छा, खेमों के इख्तिताम के बाद जो अगला मरला है इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने करबला के एक मैदान तैयार किया, और इस मैदान में जो सबसे दिल दहला देने वाला जो मंजर है ना वो तिले ज़ैनबी है। तिले ज़ैनबी से इमाम हुसैन का इन्होंने जो मक्तलगाह थी जिस तिले पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रख के काटा गया था, उसका जो फासला बनाया इन्होंने वो तकरीबन इसी लिहाज से इन्होंने इसको एडजस्ट करने की कोशिश की है। यह तिले ज़ैनबी बनाया, और साथ ये जो शहदा हैं उनकी इन्होंने कब्रें बनाई हैं, और साथ ही इन्होंने दरमियान में मंजरकशी बनाई है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर को उठाने गए थे। उसके अलावा से इन्होंने अगली जो शबी बनाई है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को उठाया हुआ है, और साथ ही ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो सर मुकद्दस काटा गया था वो शबी तैयार किया इन्होंने। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये जो इस तरफ इन्होंने जो तैयार किया ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो सर नेज़ों पर उठाया गया था यानी पूरा काफिले का और शाम ले जाया गया था, ये वो शबी तैयार किया इन्होंने। और साथ उस तरफ अगर आप देखें तो इन्होंने शबी जुलजना उसकी एक मंजरकशी करने की कोशिश की गई है, जो वो वापस खेमों में आई थी और उसको तीर लगे हुए थे। तो ये इन्होंने बहुत ही मेहनत से तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने इस मंजरकशी के लिए महीना पहले मेहनत शुरू कर दी थी, यानी ये पहले मैदान तैयार किया बाकायदा। और ये जो शबी इन्होंने तैयार किया ये इन्होंने जो बीवियों को कैद करके ले जाया गया था शाम की तरफ। तो ये दरमियान में इमाम सज्जाद हैं, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये भी नक्शा तैयार किए, और आखिर में इन्होंने जिंदार ने शाम बनाए जिसमें बीबी सकीना और बाकी बीवियाँ थी। तो यहाँ पे इन्होंने नक्शे को दूसरी तरफ मोड़ा है, दूसरी तरफ इन्होंने नहर फरात बनाई है जो मैं अभी आपको नक्शा दिखाता हूँ। दूसरी तरफ इन्होंने जो ये एक तरफ थी, और दूसरी तरफ इन्होंने जो नक्शे बनाए हैं उनमें जो सबसे पहला नक्शा है वो नहर फरात से पहले, वो इन्होंने एक छोटी सी गैलरी बनाई है जो नजफ से करबला तक की है। यानी गैलरी से मुराद यही है कि जो पैदल जो लोग मशी करते हैं नजफ से करबला तक, उसकी इन्होंने नक्शा बनाया है। तो ये इन्होंने कुछ डमीज बनाई हैं जो लोग पैदल मशी कर रहे हैं, इसमें बहुत से लोग जो माजूर होते हैं वो व्हील चेयर वगैरह पे आ रहे होते हैं, ये इन्होंने इक्कासी करने की कोशिश की है। और इसी के आगे इन्होंने जो नक्शा बनाया है बैनुल हरमैन, ठीक है, जो वो एक इन्होंने गैलरी बनाई है जो लोग मशी करते हैं बैनुल हरमैन में, और उसी के बाद इन्होंने एक जो खेमा बनाया है जिसकी इक्कासी करने की कोशिश की है, वो इमाम ज़माने का खेमा है जो हमारे इमाम पर्दे गैबत में उन्हीं के इन्होंने खेमा बनाने की कोशिश की है। तो ये उन्हीं का खेमा है, और उसके आगे इन्होंने एक जो नमाज इश्क इमाम हुसैन ने मकतल में नमाज पढ़ी थी, तो उसके बाद ये उन्होंने उसकी अक्कासी करने की कोशिश की है। इसमें पीछे असहाब जिनको तीर लग रहे थे और वो नमाज अदा कर रहे थे, तो ये उसकी मंजरकशी की गई है। अच्छा, उसके बाद जो अगली मंजरकशी ने बनाई है मैंने कहा था आपको दिखाऊँगा, वो है नहर फरात। नहर फरात में इन्होंने जो सबसे पहले ये हज़रत अबुल फजल अब्बास के घोड़े की जो शबी बनाई है, और ख़ुद उनके जो बाजू कलम हुए हैं साथ मशकीज़ा, और मेरा कैमरा मैन आपको बाकी जो नहर फरात है वो सारी दिखाएंगे। और से ये नहर फरात इन्होंने बनाई है बहुत ही अच्छे अंदाज में। तो ये भी मौला की शबी बनाई है जो तीर लगे हुए थे, और वो मौला जो मशकीज़े में पानी पा रहे हैं। इसी तरह ये बहुत ही खूबसूरत आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक शबी तैयार की है। अच्छा, यहाँ पे जो मंजरकशी है वो उसका इख्तिताम हुआ है। अब मैं आपको रजवा की जो आज़ादारी है उसके जो मनाजिर हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो जहाँ तक हो सके इस वीडियो को फैलाएं, क्योंकि ये दोस्तान ने काफ़ी मेहनत से ये मंजरकशी की है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जहाँ जहाँ तक आप मुमकिन हो इस वीडियो को फैलाएँ, बाकी आज़ादारी के मनाजिर आप आगे देखें।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रजवा की आज़ादारी की मनाजिर दिखाऊंगा, तो 9 मुहर्रम को रजवा के जो चौराहों से जो जुलूस होता है, गिरदनवा में जो इलाके हैं उनसे सारा जो जुलूस इकट्ठा होता है रजवा सादात करबला में। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये रजवा सादात के जुलूस के मनाजिर हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में लोग जमे। सलामत रहे ये आज़ादारी, सलामत रहे ये आज़ादार, सलामत रहे ये आज़ादारी, सलामत रहे ये आज़ादार, सलामत रहे ये आज़ादारी, सलामत रहे ये आज़ादार। इश्क तेरा सबसे जुदा, जिंदा रहे नाम तेरा, करीम करबला हुसैन, हाँ तेरा ये गम होगा न कम, आज भी दिलों पे तेरा राज है, तू है सखी तूने सखी को बख्शना तेरा मिजाज है, कबूल कीजिए दुआ, सलामत रहे ये आज़ादारी, सलामत रहे ये आज़ादारी, सलामत रहे ये आज़ादारी, सलामत रहे ये आज़ादारी। दर्द ज़बान है ये सुखन, करबो बला मेरा वतन, जिंदाबाद से करबला, तुझसा हसीन कोई नहीं, पूरी काफ़िले रवां दवां रहे, तू हरम आए जो हम सैयदा के ज़ेर साए रहे,